मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास एलकेजी टर्म 1 सब्जेक्ट हिंदी, इसकी एक्टिविटी बुक ओपन कीजिए। पिछली वीडियो में आप सभी बच्चों ने छोटी ई बनाना सीखा। आज आपको मैं बड़ी ई बनाना सिखाऊंगी। ओके सभी बच्चे, पेज नंबर 6 ओपन कीजिए। यहाँ ऊपर आपको डेट लिखना है, बड़ी ई मीन्स ईग। ओके बड़ी ई मीन्स ईग। ईख को क्या कहते हैं पता है? गन्ना। ओके ओ यहाँ लिखा हुआ है ईख। अब इसको बड़ी ई को किस तरह से बनाते हैं वो आप मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप एक स्लैप लाइन, फिर उससे थोड़ा सा एक स्टैंड लाइन एंड बैक साइड का सर्कल और राइट सर्कल। ओके इसको आप यहाँ से घुमाकर एक इसकी टैल बना देंगे, यानी पूंछ। ओके और ये इसका मुकुट, ये बन गई बड़ी ई। ये इसकी मांत्रा लगी हुई है बेटा। ओके नेक्स्ट इसी तरह से फिर से बनाते हैं। स्लैप लाइन, छोटी सी सीधी लाइन एंड हाफ सर्कल एंड राइट हाफ सर्कल, और इसका ये निकाल दिया आपने पूंछ यानी टैल, और ये आपका बन गया मुकुट। ओके यानी बड़ी की मांत्रा। इसी तरह से नेक्स्ट भी बनाएंगे। इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ओके स्लैप लाइन, छोटा सा सीधी लाइन, बैक सर्कल हाफ, राइट सर्कल हाफ, और इसका एक राउंड निकालते हुए इसकी पूंछ एंड इसका ये मुकुट। ओके क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से फिर बनाएंगे, रिपीट अगेन। ओके नेक्स्ट फिर से बनाना है इसी तरह से। नेक्स्ट इसी तरह से फिर बनाएंगे। नेक्स्ट स्लैप लाइन, सीधी छोटी सी लाइन, बैक हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल एंड एक सर्कल छोटा सा बनाते हुए और इसको बाहर निकालना है एंड ऊपर भी आपको इसी तरह से थोड़ा सा निकालना है। यानी अभी मैंने आपको इसको बताया, इसको आप कह सकते हैं ये इसकी पूंछ है और ये इसका मुकुट है। ओके नेक्स्ट इसी तरह से फिर आप बनाएंगे मेरे साथ। आप इस तरह से रिवाइज करेंगे, आप सभी बच्चों को बड़ी ई बनाना आ जाएगा। ओके स्लैप लाइन, छोटा सा लाइन, सीधा एंड बैक हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, और ये निकाल दिया आपने इसकी पूंछ और ये बना दिया मुकुट। ओके इसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे। ओके
सभी बच्चे बार बार इसी तरह से बनाते जाएंगे तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से बड़ी ई बनाना आ जाएगा। अब ये आगे की सारी लाइनें आपको स्वयं बनाना है, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चों का होमवर्क कॉपी स्कूल में मंगाया जाएगा, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ओके, सीख लीजिएगा और इन सभी लाइनों को फिल कर लीजिएगा, यानी बड़ी ई को बना दीजिएगा, ओके। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।